नमस्कार, मैं लाइफोहलिक शालिनी आ गई हूँ आपके समक्ष ऑस्पिशियस अगस्त की भारतीयता का जश्न मनाने के लिए मेरा भारत आवर इंडिया के चौथे एपिसोड के साथ। कहानी का शीर्षक है चलो एक बार फिर से गिलहरी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से गिलहरी बन जाएं हम दोनों। कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद जो तेलंगाना हमारी न्यूएस्ट स्टेट जो 29th स्टेट थी अब 28th स्टेट हो गई है की राजधानी है। यहाँ एक बड़ा ही प्यारा सा परिवार रहता है। इनफैक्ट दो परिवार रहते हैं, ब्रिजेंद्र बिहारी लाल जी की और उनके पड़ोस में रहते हैं बशीर अहमद जी। दोनों परिवार बिल्कुल पानी की तरह घुले मिले हैं। वर्ष 2020 है, कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए है, लेकिन जश्न का क्या है, वो तो कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। का शुरुआत हो चुका है, हर तरफ हरियाली है। सावन का आखिरी कुछ समय रह गया है। 1 अगस्त अभी अभी बकरीद का जश्न मनाया है दोनों परिवारों ने। 5 अगस्त मंदिर निर्माण का जश्न भी मनाया है दोनों परिवारों ने। आज 6 अगस्त है। 6 अगस्त बड़ी अम्मी का बर्थडे होता है। हर साल ये जश्न बड़े धूमधाम से मनाते थे दोनों परिवार के साथ साथ और भी सगे संबंध। इस साल लॉकडाउन, आंशिक रूप से लॉकडाउन और आंशिक रूप से नॉर्मल, जिसे हम न्यू नॉर्मल कहते हैं, के कारण कुछ अलग तरीके से इन दो परिवारों ने बड़ी अम्मी का बर्थडे मनाया। परिवार के दो चिराग हैं, दोनों परिवार के चिरागों का नाम है शौर्य। ब्रिजेंद्र बिहारी लाल जी के पौत्र हैं और इकबाल बशीर अहमद जी के बेटे हैं। दोनों का गिलहरियों की तरह हुदकना दोनों परिवारों के लिए आम बात। बड़ी अम्मी के हाथ की बिरयानी शौर्य को खींच लाती है और नीलिमा बुआ की कहानियां इकबाल को रोक नहीं पाती। दोनों परिवार के बच्चे दोनों ही घरों में लहरियों की भांति उदकते फिरते हैं। आज बड़ी अम्मी का जन्मदिन मनाना है। जश्न कुछ डिफरेंट तरीके से मनाना है। इकबाल ने एक छोटा सा तोहफा लिया है। शौर्य को पता है कि वो तोहफा क्या है, लेकिन ये तो सरप्राइज है, बड़ी अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। तोहफा इकबाल के पॉकेट में है, शौर्य उसे निकालना चाहता है। दोनों में एक्साइटमेंट चरम सीमा पर है,
गिफ्ट निकलती है। निकलने में उसकी रैपर फट जाती है। दोनों बच्चों ने इसे सरप्राइज रखा था। वो रैपर को हटाते हैं, अपने हाथों से उसे रैप करते हैं और बड़ी अम्मी के पास जाकर उनके गोद में उसे रख देते हैं। ये थी आज की कहानी। चलो एक बार फिर से गिलहरी बन जाएं हम लोग। ये वही गिलहरियां हैं जो छोटी छोटी कंकड़ पत्थर लेकर राम सेतु में अपना सहयोग देती है। ये गिलहरियां हमारे घर में, हमारे आसपास, इन गिलहरियों के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर एक बड़े पुल का निर्माण करने में सक्षम है। भगवान राम ने उनके सहयोग को सराहा था। क्या हम सराह सकते हैं? नमस्कार, बने रहिएगा, फिर से आऊंगी इसी तरीके की छोटी छोटी भारतीयता को दर्शाने वाली कहानियां लेकर। लेट्स सेलिब्रेट इंडिया, इंडियन एंड इंडियननेस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।